हाय ऑल, दिस इज़ माय टाटा सियरा टर्बो 99 मॉडल। मैंने इसे लिया है अराउंड एक साल पहले, तो बाकी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इस गाड़ी को मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, ऑल दिस प्रोसीजर्स। पहले इस गाड़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा पहले आगे से आप देखोगे तो ये गाड़ी आपको टाटा 260 DI या टाटा मोबाइल या टाटा इस्टेट और या टाटा सियरा, इन सब का कॉमन है ये। और आप ये लोगो देख रहे हो, ये टाटा का बहुत पुराना लोगो है, फर्स्ट लोगो था टाटा का इंडिया में ये, ठीक है। और ये जो लुक है गाड़ी की, ये जो आगे ग्रिल, ये सब कॉमन है टाटा 260 DI या फिर टाटा स्टेट बोल लो या टाटा मोबाइल बोल लो या फिर टाटा सियरा, इन सब में ये कॉमन आया करता था, ठीक है। अब हम इसको आपको गाड़ी एक साइड व्यू से आपको हम गाड़ी दिखाते हैं। इस गाड़ी में मैंने इस गाड़ी पहले मैं आपको टायर बता देता हूँ। इसमें 215/75 R15 इंच के अलॉय व्हील्स मैंने लगा रखे हैं गाड़ी में। और बाकी आप ये सियरा की बैजिंग यहाँ देख लो, उस वक्त सियरा की बैजिंग ऐसे साइड में ही आया करती थी गाड़ी में। अब मैं आपको एक साइड व्यू फुल दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये आप देख रहे हो, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत थी ये ग्लास विंडो। और ये गाड़ी कम्प्लीटली 3-डोर गाड़ी है, बस इसमें ये ग्लास विंडो है। इसे मून लाइट विंडो कहा करते थे उस टाइम पर। हम अंदर से जो व्यू आता है वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता, ज़बरदस्त है वो। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा तब बताऊंगा। बाकी अब गाड़ी के रियर साइड पर आते हैं। और ये आप देख रहे हो, ये इसके व्हील्स, ठीक है। अब आप आओ पीछे साइड पर। ये आप देख लो, उस कंडीशन की गाड़ी है ये। आपको ये इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। बाकी इधर सियरा की बैजिंग है, इधर भी इसमें आती थी सियरा की बैजिंग इधर और वहाँ पर टाटा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे ये भारत स्टेज 2, आज के डेट में BS6 की बात कर रहे हैं ना, ये BS2 की गाड़ी है। ये उस वक्त की आती थी। ये टर्बो लिखा हुआ है, सॉरी ये टूट चुका है, बट ठीक है, ये टर्बो मॉडल है। बाकी आप इसमें देखो तो ये इसके टेल लैंप्स हो गए, ये नीचे इसके ये रियर रिवर्स लाइट्स आते हैं और ब्रेक लाइट्स आते हैं साथ में। और आप सबसे बड़ी खास बात आप देखो कि ये 99 की गाड़ी है, मतलब 91 से 2000 तक इसकी प्रोडक्शन हुई थी। उस वक्त भी इसमें ये हीटर्स आते थे, डबल वाइपर आते थे। आप ठीक से देखोगे तो इसमें डबल वाइपर्स हैं, मतलब उस टाइम ये गाड़ी अहेड ऑफ द टाइम कही जाती थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अब आपको मैं इस साइड से व्यू दिखा देता हूँ, बाकी तो वो सेम ही है, बट आप एक बार देखो इधर से भी। ये मून ग्लास की है, मून ग्लास विंडो इसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। अब आओ मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। तो आप इसका इंजन देख रहे हो, ये है पीजो इंजन, 1948 सीसी का, जो 90 BHP प्रोड्यूस करता है 3000 RPM के अराउंड पर। अब देखो ये इसका एयर फिल्टर है, ये इसका मेन इंजन हो गया। और उस वक्त आप देखो ये जो चीज़ है, ये पंप है, मतलब आज की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक आता है ना, ये है पंप। अगर गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया तो फिर ये पंप देकर हमें एयर निकालना पड़ता है, ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी है। और इस गाड़ी में कोई सेंसर्स कुछ नहीं है। ये अपना हो गया अपना पावर स्टीयरिंग ऑयल का, ये ऑयल सेपरेटर हो गया अपना, फिर ये इधर क्लच का आ गया, फिर ये अपना कूलेंट रखने का आ गया है, और बाकी तो सेम है। गाड़ी में पावर की कभी कोई कमी नहीं रही है, बहुत सही पावर देती है गाड़ी। बाकी आइए मैं आपको अब इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। और ऐसा बीच में आपको पता, ये लोगो मेरा बहुत खास है, ये लोगो मुझे बहुत पसंद है। आइए अंदर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है टाटा सियरा का इंटीरियर। इंटीरियर बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, बट आई वुड से ये नॉर्मल कंडीशन में है इंटीरियर। आप देख सकते हो इसमें ये इसका डैशबोर्ड हो गया, और उस वक्त भी इस गाड़ी में एसी आता था, प्लस इसमें यहाँ पर घड़ी आती है। और सबसे बड़ी बात ये 99 की गाड़ी है, उस वक्त भी इसमें टिल्ट स्टेयरिंग आता था, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेयरिंग को टिल्ट कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड वैसा। तो ये अपने टाइम से बहुत अच्छी गाड़ी रही है।
और बाकी आप इसका देखो एसी वेंट्स है, सब है, थोड़ी बहुत ये टूटे हैं बट इट्स ओके। और ये इसका मीटर कंसोल हो गया, ये देखो आप, मुझे इसे दिखाता हूँ मैं एक बार ढंग से। ये अब आप इसका मीटर कंसोल देख लो इधर से, सही से देखो, ये इसका पूरा मीटर कंसोल है, जो उस ये बिल्कुल उसी ज़माने का है, 99 उस टाइम की गाड़ी है बिल्कुल। और अब मैं आपको इसका रियर दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट मैं आपको दूसरे साइड से आकर इसका रियर दिखाता हूँ। हालांकि इस गाड़ी की एक ये खासियत है ना कि ये थ्री डोर गाड़ी है, थ्री डोर मतलब टू डोर आगे एक डोर पीछे, तो इसमें घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ता था मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीट को आप ऐसे मोड़ो, इसे आगे पुश करो और फिर आप सीधे जंप करके पीछे आ जाओ, आ जाओ तुम भी। और जब आप अंदर आ गए उसके बाद ये जो फील आती है यहाँ पर, ये मैसिव, आप ये बैठने का कंफर्ट, आप लेग स्पेस देखो कितनी मस्त है कि मैं एकदम पैर ऐसे फैला कर बैठ सकता हूँ इसमें, मतलब आराम से आप यहाँ पर तीन आदमी तो आराम से बैठ ही सकते हैं, चार आदमी थोड़ी जद्दोजहद से बैठ जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत क्या है ना इस गाड़ी की, जब आप बैठते हो उसके बाद ये जो व्यू आती है ना, दिस कमांडिंग व्यू, ये पीछे वाली आगे वाली सीट से ज़्यादा ऊंची है पीछे वाली सीट, तो बहुत कमांडिंग व्यू आती है। प्लस ये जो ग्लास विंडो है, मतलब मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी में आप कभी बरसात के वक्त बैठ जाओ, जो जो फील आती है ना, जो पानी आती है और जो रात में फीलिंग आती है, ऑसम। और ठीक है, ये इसका पीछे हो गया। हाँ, मैंने आपको इसका डिक्की नहीं दिखाया, वो भी मैं दिखाता हूँ। अब बाहर चलते हैं, मैं सीट फोल्ड कर देता हूँ। आइए मैं आपको इसका डिक्की दिखाता हूँ। ये यहाँ से इसकी डिक्की खुल जाती है, बाकी मेरे तो अभी कुछ सामान रखे हैं, बट आप स्पेस देखो, आप सामान मत देखो, आप स्पेस देखो, कितनी स्पेस है सामान रखने की। कई लोगों ने इसमें क्या किया, यहाँ पे सीट लगा लिया एक्स्ट्रा, वो साइड फोल्डिंग सीट्स आती है ना बोलेरो की या किसी की, वो उसकी लगा लेते हैं कई लोग, बट मैंने नहीं लगाया है, बट ऐसे ही रखा है। बाकी ये मैंने एज अ लुक के लिए, जब मैंने गाड़ी ली थी तो ये पहले से लगी हुई थी, बाकी ये सही है। आइए अब मैं आपको आगे इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ और फिर इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। ये गाड़ी मैंने लास्ट ईयर जून में ली थी, टाटा सियेरा मेरा बचपन का सपना था कि मेरी पहली गाड़ी तो टाटा सियेरा ही होगी, हालांकि अभी मेरे पास दूसरी गाड़ी आ चुकी है, बट स्टिल पहली गाड़ी तो मेरी टाटा सियेरा ही मैंने लिया। और ये गाड़ी 91 से प्रोडक्शन में आई थी और 2000 तक प्रोडक्शन में रही, 96 तक ये स्टैंडर्ड में आती थी, दैट मींस विदाउट टर्बो, और 96 के बाद ये टर्बो मॉडल में आना स्टार्ट हुआ, तो ये अपना टर्बो मॉडल है 99 का। और बाकी मैं बताऊं गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी में वैसी कोई अभी खास दिक्कत नहीं है, हालांकि मेरी गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है बट बहुत ख़राब भी नहीं है, थोड़ा बहुत बॉडी वर्क का काम है और इंटीरियर्स का काम है इसमें, बाकी इंजन इसका परफेक्ट है और सब कुछ परफेक्ट चलता है। गाड़ी अभी भी मैं इसे अगर निकालता हूँ तो मतलब 13 से 14 की माइलेज दे देती है ये आराम से। और बाकी इसका एसी भी चलता है, सब सही है, एसी तो अभी इसका गैस ख़त्म हो गया है वरना इसलिए मैं अभी चलाता नहीं, बट गाड़ी में आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस गाड़ी को लेकर मैं नॉन स्टॉप 600 किलोमीटर चलाया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और पिकअप तो मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त पिकअप है, मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, गाड़ी आज भी मुझे अगर रुकी हुई गाड़ी है अभी तो मुझे फर्स्ट गियर, पांच लोग गाड़ी में बैठे हैं फिर भी मुझे फर्स्ट गियर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेकंड गियर में ही विदाउट एक्सेलेरेटर गाड़ी आज भी उड़ जाती है, इतनी पावर है इसमें। और फर्स्ट गियर तो बहुत रेयरली मैं लगाता हूँ। तो बाकी ये था मेरा टाटा सियेरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।